दोस्तों वेलकम बैक टू कार्पस। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो आइकॉनिक एसयूवीज को जिनकी इंडियन कार मार्केट में अपनी अलग अलग जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक का नाम है टाटा सफारी, दूसरी का नाम है न्यू लॉन्च्ड महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो चलिए इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रही होंगी इन कार के डायमेंशंस जो कि हमने यूनिट एमएम में लिखी हैं। सफारी की लेंथ है 4661 और वहीं स्कॉर्पियो की लेंथ है 4662। स्कॉर्पियो की लेंथ 1 mm ज़्यादा है। विड्थ की बात करें सफारी की है 1894 mm, वहीं स्कॉर्पियो की है 1917 जो कि 23 mm ज़्यादा है सफारी में मिलने वाली 1894 mm से। हाइट की बात करूँ सफारी की तो वो है 1786 और स्कॉर्पियो की हाइट की बात करूँ तो वो है 1857 जो कि 71 ज़्यादा है सफारी में मिलने वाली 1786 mm की हाइट से। और इन दोनों गाड़ियों के व्हील बेस की बात करूँ तो सफारी का व्हील बेस के लेंथ है 2741 mm, वहीं स्कॉर्पियो यहाँ पे भी ज़्यादा है 2750 mm जो कि 9 mm ज़्यादा है। तो आपने देखा कि स्कॉर्पियो ज़्यादा मतलब 1 mm लंबी है जो जिसका ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं देखने से। विड्थ 23 mm ज़्यादा है क्योंकि इसके एड में ही कहा था डैडी बिग डैडी काफ़ी बड़े हैं जो इस गाड़ी की टैग लाइन है। हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा है और व्हील बेस भी 9 mm ज़्यादा है। अब आते हैं इन गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे जो कि आपको टाटा सफारी में मिलती है 50 लीटर्स की और 57 लीटर्स की मिलती है आपको स्कॉर्पियो एन में। 7 लीटर ज़्यादा है स्कॉर्पियो एन में। दोस्तों के टायर साइज़ की बात करूँ 16 और 18 इंच के टायर आपको मिल जाते हैं सफारी में, वहीं स्कॉर्पियो में 17 और 18 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं। टर्निंग रेडियस की बात करूं तो दोस्तों महिंद्रा ने अभी ऑफिशियली टर्निंग रेडियस आउट नहीं कराया और वो भी जाहिर सी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसकी USP बताई जाती है कि उस गाड़ी में क्या अच्छा है। और ऑफकोर्स ये बात है गाड़ी इतनी बड़ी है तो उसका टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा होगा। वहीं आपको मैं सफारी की बता दूँ तो सफारी की 5.8 मीटर है और स्कॉर्पियो थोड़ी सी चौड़ी है तो हो सकता है उसकी 5.9 मीटर या फिर 6 मीटर हो सकती है टर्निंग रेडियस। और ऐसा ही सेम खेल आ जाता है बूट स्पेस के साथ भी, जिसमें आपको बूट स्पेस भी महिंद्रा ने अभी ऑफिशियली रिवील नहीं करी है बिकॉज इसकी कुछ लीक्ड पिक्चर्स की मानी देखी जाए तो इस पर काफ़ी कम बूट स्पेस है, वेयर एज सफारी में भी काफ़ी कम बूट स्पेस है, सिर्फ 70 लीटर की है। तो इससे ही थोड़ी कम ही होगी मेरे हिसाब से तो स्कॉर्पियो एन में। तो अभी हम चलते हैं आगे जहाँ पर हम स्कॉर्पियो के इंजन की बात करते हैं जो कि है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जिसमें पावर मिलती है आपको 172 bhp। और दोस्तों इसके टॉर्क में थोड़ी अलग थिंग है, 370 Nm का टॉर्क मिलता है आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में और 400 Nm का टॉर्क देती है गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में डीजल। और इसी इंजन को हम सफारी में मिलने वाले 2 लीटर डीजल इंजन से कंपेयर करें तो स्कॉर्पियो में पावर मिलती है आपको 172 bhp, वहीं सफारी में मिलती है आपको 167 bhp जो कि 5 bhp ज़्यादा है सफारी में मिलने वाली 167 bhp, मतलब स्कॉर्पियो में ज़्यादा है। और सफारी में मिलने वाले आपको मैं टॉर्क की बात करूँ तो वो है 350 Nm जो कि कम है सफारी में मिलने वाले 370 Nm टॉर्क मैनुअल और 400 Nm टॉर्क ऑटोमेटिक में। और इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो भी अभी आउट नहीं की गई है जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छी थी अच्छी चीज़ों को ही गाड़ी की दिखाया जाता है स्टार्टिंग के लॉन्च में, वहीं बुरी चीज़ों को पहले नहीं दिखाया जाता, यूएस भी दिखाई जाती है। माइलेज आपको मैं स्कॉर्पियो के अंदाजे से बताऊँ तो जो कि कुछ सोर्सेज की बताई जा रही है 15 kmpl की माइलेज इसमें मैनुअल में मिलेगी और 14.5 kmpl या फिर 14 kmpl इसको ऑटोमेटिक में मिलेगी। वहीं सफारी की माइलेज है 16 kmpl मैनुअल में और ऑटोमेटिक में 15 kmpl। अभी आते हैं हम स्कॉर्पियो के एक और इंजन में क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको इंजन तो सेम मिलेगा पर उसमें पावर कम है, जिसमें स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट के 2.2 लीटर डीजल इंजन में आपको सिर्फ 130 bhp पावर मिलती है, 300 Nm का टॉर्क मिलता है और आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।
स्कॉर्पियो में आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। 2 लीटर पेट्रोल इंजन इधर आता है। इसकी पावर है 200 bhp और टॉर्क है 370 मैनुअल में और 380 ऑटोमेटिक में। इसकी भी माइलेज अभी आउट नहीं की गई है, पर अंदाजे से इसकी माइलेज मैनुअल में 13 km/h और ऑटोमेटिक में 12.5 km/h की हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी तो इन दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी होती है। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बात करें जो स्कॉर्पियो की आपको हर किसी वेरिएंट में मिल जाएगी, वो है ABS, डुअल एयरबैग, EVD, 4 disc brakes, आइसोफिक चाइल्ड सीट। और इसके अलावा अगर आप इसका सेकेंड बेस का ऑटोमेटिक वर्जन खरीदते हैं या फिर इसका टॉप 3 वेरिएंट्स में खरीदते हैं तो आपको मिलता है ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल। और अगर आप इसके टॉप 2 वेरिएंट्स खरीदते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सफारी की स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात की जाए तो उसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, 4 disc brakes जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं आप इसका सेकेंड टॉप या फिर टॉप खरीदते हैं तो आपको इसके अलावा 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं आपको टॉप वेरिएंट में इससे एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आपने देखा सफारी में सेफ्टी फीचर्स तो थोड़े से ज़्यादा हैं अभी भी, पर बिल्ड क्वालिटी दोनों की जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है और सेफ है। अब हम आते हैं फीचर्स में जिसमें आपको, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो फीचर आपको स्कॉर्पियो एन में मिलते हैं पर सफारी में नहीं मिल पाते। तो वो फीचर्स हैं फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, बिल्ट इन एलेक्सा, LED फॉग लैम्प्स। फॉग लैम्प्स तो आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं पर LED फॉग लैम्प्स आपको सफारी में नहीं मिलते, सफारी में आपको नॉर्मल फॉग लैम्प्स मिलते हैं। और आपको फिर मिलता है इसमें 12 सोनी स्पीकर्स। तो दोस्तों आपको स्कॉर्पियो में 12 सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं पर वहीं सफारी में 9 स्पीकर मिलते हैं JBL के। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, 2-wheel ड्राइव के साथ साथ आपको 4x4 भी मिल जाता है और आपको इस पर टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स भी देखने को मिल जाता है, नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको सफारी में मिल जाते हैं पर स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलते। ऑटो डिम IRVM, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग। टिल्ट स्टेयरिंग तो आपको स्कॉर्पियो में मिलता है पर टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। सेकेंड रिक्लाइनिंग सीट्स, स्कॉर्पियो में आपको सेकेंड सीट्स जो हैं बीच रो वाली वो आपको फिक्स मिलती है, वहीं आप सफारी में एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, रियर वेंटिलेटेड सीट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कैप्टन सीट्स खरीदते हैं सफारी में, वहीं स्कॉर्पियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, स्कॉर्पियो में आपको सनरूफ तो मिलती है पर वो छोटी वाली है, पर सफारी में आपको पैनोरामिक मिल जाती है। सफारी में आपको हर रो के लिए अलग AC वेंट्स मिल जाते हैं, फर्स्ट रो के लिए अलग, सेकेंड रो के लिए अलग, थर्ड रो के लिए अलग। और वहीं स्कॉर्पियो में आपको फर्स्ट और सेकेंड रो के लिए तो अलग अलग मिल जाते हैं पर थर्ड रो के लिए AC वेंट्स ही नहीं है, बताओ भाई क्या करा। और सफारी में आपको बॉस मोड मिल जाता है जिसमें आप अच्छे से स्पेस मैनेज कर सकते हैं, एम्बियंट लाइटिंग और एयर प्योरीफायर जैसे अच्छे फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और वहीं बात करूँ फॉग लैम्प्स की जो मैं आपको बता रहा था, सफारी में आपको कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो कि आपको स्कॉर्पियो में नहीं मिलते। कॉर्नरिंग मतलब जब जिस तरफ को आप स्टेयरिंग मोड़ेंगे उस तरफ को आपका जो फॉग लैम्प है वो पोजिशनिंग करने लगेगा। और एक लास्ट फीचर इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं सफारी में, वहीं आपको स्कॉर्पियो में ऐसे कुछ फीचर्स नहीं मिलते। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत बात ये निकल के आपके आती है कि अगर आपको 20-21 लाख रुपए के अंदर एक डीजल पेट्रोल अच्छी SUV लेनी है 7-सीटर तो आप स्कॉर्पियो चुन सकते हैं। वहीं आपको थोड़े प्रीमियम फीचर्स के साथ कोई गाड़ी चाहिए और आपको ऑफ रोडिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है तो आप टाटा सफारी को चुन सकते हैं। इनके प्राइसेस के बारे में बताऊं तो स्कॉर्पियो का प्राइस डीजल मैनुअल में है 12,50,000 से लेकर 19,50,000 तक, ये प्राइस इंट्रोडक्टरी है, इनको आगे जाके बढ़ा दिया जाएगा। और वहीं पेट्रोल मैनुअल की प्राइस बताऊं तो 12,00,000 से लेकर 19,00,000 तक। और वहीं सफारी की प्राइसिंग
डीजल में ही आती है सफारी, तो मैनुअल की प्राइस है 15,25,000 से लेकर 22,15,000 और ऑटोमेटिक प्राइसिंग है 18,00,000 से लेकर 23,50,000। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी ये वीडियो देखने के बाद। तो आपका दिन अच्छा रहे, थैंक यू।